लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार बेवजह पेट्रोल के दाम बढ़ाकर आम लोगों की जेब काट रही है। पहले ही लोग लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हो गए हैं और ऐसे में सरकार का यह फैसला लोगों के लिए बोझ बन गया है। कोरोना काल गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अभिशाप से कम नहीं। कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने मोदी सरकार के इस निर्णय को जन विरोधी करार दिया। कोई कारण नहीं है कि रेट बढ़ा दिया जाए, बल्कि लोगों को परेशानी इतने बढ़ गई है कि जो अभी भी गरीब आदमी के पास में रोजगार नहीं है तो दो पैसा पैसा भी नहीं पास में, तो छोटा मोटा मोटरसाइकिल रखा है घर से सब्जी लेने जाने के लिए, कहीं स्कूल जाने के लिए, बच्चों भेजने के लिए, वो भी अभी वो गाड़ी चला नहीं पाएगा। हर आदमी परेशान है और हम सब लोग अभी देख रहे हैं कि लगातार 16-17 दिन रोज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। एक तरह से जनता के साथ अतिरिक्त टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि जनता को इसको लाभ नहीं हो रहा है, इससे जनता पूरी तरह परेशान है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों